वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के मनाली रीजन के एक बहुत ही खूबसूरत गांव ओल्ड मनाली के सफर पे। अगर आप अपने हॉलीडे के दौरान एक ऑफबीट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए आपको मनाली मेन टाउन से ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो उसके लिए ओल्ड मनाली एक परफेक्ट जगह है। ओल्ड मनाली गांव को जब आप विजिट करेंगे तो आप विटनेस करेंगे कि पहाड़ी कल्चर क्या होता है, पहाड़ी लोगों का रहन सहन कैसा होता है और ये लोग इतनी मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने के बाद भी इतना खुश कैसे रह लेते हैं। ओल्ड मनाली गांव एक ऐसा गांव है जिसने इस मॉडर्नाइजेशन के एरा में आज भी अपने ट्रेडिशनल कल्चर को वैसे ही प्रिजर्व करके रखा है जैसे ये कई सौ साल पहले होता था। ओल्ड मनाली को एक और चीज जो खास बनाती है वो है यहाँ का हिप्पी कल्चर, जो कि सोलो ट्रेवलर्स और बैकपैकर्स को बहुत पसंद आता है। ओल्ड मनाली की मार्केट एक बहुत ही कलरफुल और वर्सेटाइल मार्केट है जहां पे आप भी अपने आप को शॉपिंग करने से रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ओल्ड मनाली में पूरे मनाली टाउन के फाइनेस्ट कैफेज लोकेटेड है, जो कि परफेक्ट जगह हो जाती है नई नई क्यूजींस ट्राई करने के लिए या फिर लाइव म्यूजिक को एंजॉय करते हुए अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ओल्ड मनाली के एक वर्चुअल टूर पे, साथ ही आपको ओल्ड मनाली के बारे में बहुत से फैक्ट्स भी बताएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ये है मनाली का फेमस मॉल रोड और यहाँ से ओल्ड मनाली लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो मॉल रोड से ओल्ड मनाली आप पैदल चलकर या फिर लोकल ऑटो रिक्शा लेकर भी पहुंच सकते हैं। ओल्ड मनाली की मीन सी से एलिवेशन लगभग 6,589 फीट है और ये है मनालसू रिवर, जो कि मनाली को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओल्ड मनाली और न्यू मनाली। हमसे काफी लोग ये क्वेरी पूछते हैं कि मनाली मॉल रोड के पास रुकने के लिए बेस्ट बजट प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आपके सामने अभी आप देख सकते हैं होटल 1965। होटल 1965 मनाली मॉल रोड के बहुत ही नजदीक लोकेटेड है और ये मनाली के टॉप बजट प्रॉपर्टीज में से एक है। होटल 1965 की बेस्ट बात है इसकी लोकेशन, जो कि मनाली मॉल रोड के बिल्कुल ही नज़दीक लोकेटेड है। ये होटल सभी मॉडर्न एमेनिटीज से भरपूर है। तो अगर आप भी अपने मनाली हॉलीडे के दौरान इस होटल में स्टे करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपना ओल्ड मनाली का सफर कंटिन्यू करते हैं। ओल्ड मनाली का गाँव आता है ओल्ड मनाली की मार्केट को क्रॉस करने के बाद, जहां पे आपको बहुत सी शॉप्स, कैफेज और एडवेंचर सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड मनाली विलेज के अंदर कोई गाड़ी वाली सड़क नहीं जाती, इसलिए आपको अपनी गाड़ी कहीं जगह देख के पार्क करने के बाद ओल्ड मनाली विलेज घूमने के लिए वॉक ही करना पड़ेगा। ओल्ड मनाली विलेज एंटर करने के बाद जो सबसे पहली चीज अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगी वो है यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर। जबकि मनाली मेन टाउन एक काफी मॉडर्न जगह है, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड ओल्ड मनाली, यहाँ के सभी घर आज भी ट्रेडिशनल वे में ही प्रिजर्व किए गए हैं और यहाँ के लोग इसी टाइप के घरों में रहना पसंद करते हैं। कुनी आर्किटेक्चर में की गई है, जो कि एक हिमालयन आर्किटेक्चर सिस्टम है और इसमें यूज किया जाता है सिर्फ स्टोन और वुड का। यहाँ के सभी घरों में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, आने वाली सर्दियों के लिए ऑटम मंथ में पहले से ही लकड़ियां और घास इकट्ठा करके रख लिया जाता है। इसमें आपको एक बहुत ही खास मंदिर देखने को मिलेगा, इसका नाम है मनु ऋषि टेम्पल। मनु ऋषि जी को ओरिजिनेटर ऑफ ह्यूमन रेस भी माना जाता है और मनाली का नाम भी मनु ऋषि जी पर ही पड़ा है। मनाली का पहले नाम होता था मनु आल्या, जिसका बाद में नाम पड़ गया मनाली।
मनु ऋषि जी का टेम्पल ओल्ड मनाली गांव के टॉप पर लोकेटेड है और पूरे वैली के लोगों की मनु ऋषि जी में बहुत मान्यता है। यहाँ के लोग बहुत ही वेलकमिंग और वार्म हार्टेड होते हैं और जब आपको यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल करीब से देखने का मौका मिलेगा तो ये चीज आपके चेहरे पर एक स्माइल जरूर लेकर आएगी। ओल्ड मनाली के रोड्स थोड़े कंजेस्टेड हैं, तो अगर आप यहाँ पर घूमने का प्लान करें तो आप वॉक करना ही प्रेफर करें। ओल्ड मनाली का जो एक और क्लेम टू फेम है वो है यहाँ के कैफेज। यहाँ पे आपको कैफेज की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपने मनाली हॉलीडे के दौरान दिन को किन्हीं और लोकेशंस पर घूमने भी जा रहे हैं तो आपकी शाम की डेस्टिनेशन ओल्ड मनाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ के कैफेज में आपको बहुत अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा ही और साथ ही आप अपना खाना लाइव म्यूजिक के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोकल आर्टिस्ट हर दिन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इतने सारे कैफेज की वैरायटी होने की वजह से अगर ऐसा कहा जाए कि मनाली में अपनी इवनिंग स्पेंड करने के लिए ओल्ड मनाली बेस्ट जगह है तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर आप एक शॉपिंग फ्रीक हैं तो ओल्ड मनाली से अच्छी जगह भी आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ओल्ड मनाली में आपको शॉप्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। ओल्ड मनाली के पास एक और जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं, इसका नाम है क्लब हाउस। क्लब हाउस को हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। क्लब हाउस आपको आपकी फैमिली के साथ विजिट करने के लिए एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक रूफ के अंडर आपको शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स सेंटर, एडवेंचर सेंटर और होटल की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। HPTDC क्लब हाउस के परमिसिस के अंदर ही मनालसू रिवर के पास आपको बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज करने का मौका भी मिल सकता है, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, मंकी क्रॉलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग। क्लब हाउस एक ऐसी जगह है जो कि खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो अगर आपके ट्रिप में आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं तो आप क्लब हाउस को जरूर विजिट करें। तो ये हमारी ओल्ड मनाली की इस वीडियो का एंड है, जिसमें हमने आपको ओल्ड मनाली की अलग अलग जगहों का वर्चुअल टूर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।